मां के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन छतरी पहुंचे सिंधिया, राजमाता माधवी की अस्थियों का संचय किया, निभाई रस्में। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मां माधवी राजे के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छतरी मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने नम आंखों से रस्में निभाई, राजमाता की अस्थियों का संचय किया। अगले 9 दिन के लिए अस्थि कलश को छतरी मैदान के माधव बाग में रखा गया है। अस्थियों को अलग अलग कलशों में नेपाल, उज्जैन और प्रयागराज ले जाकर विसर्जित किया जाएगा। 15 मई सुबह 9:28 पर दिल्ली एम्स में राजमाता ने अंतिम सांस ली थी। गुरुवार को छतरी मैदान में वे पंच तत्व में विलीन हो गईं। अस्थि कलश संचय के दौरान सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया, परिवार के करीबी लोग, मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। यहां और भी लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। घर में शुद्धिकरण के बाद मेहमानों का आना जाना शुरू होगा। राज परिवार के करीबी बाल खांजे ने बताया कि अस्थि संचय के बाद घर में शुद्धिकरण किया जाएगा और कुछ क्रियाएं होंगी। इसके बाद सिंधिया महल में वीवीआईपी मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। परिवार के लोग 9 दिन तक प्रतिदिन शाम 7 बजे तक आने वालों के लिए बैठेंगे। स्थानीय प्रशासन से कई कैबिनेट मिनिस्टर के ऑफिस से कार्यक्रम की डिटेल मांगी गई है। अस्थि संचय के लिए पहुंचे मंत्री तुलसीराम सिलावट को मौके पर व्यवस्थाओं में कुछ कमी दिखी। उन्होंने वहीं से जिम्मेदार अधिकारियों को फोन लगाया। सिलावट ने कहा कि अंतिम संस्कार के समय की गई व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं के लिए अलग से बैठने या लाइन की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग पानी न मिलने के कारण परेशान होते हुए नजर आए। ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे उम्र 76 वर्षीय का बुधवार को निधन हो गया। माधवी राजे नेपाल राज परिवार की राजकुमारी थी। उनकी सास राजमाता विजया राजे सिंधिया का ताल्लुक भी नेपाल के ही एक राजघराने से था। जब पहली बार ग्वालियर पहुंची तो यहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। तब दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से वर वधु ग्वालियर आए थे। उस वक्त लोगों ने रेलवे स्टेशन से लेकर जय विलास पैलेस तक पूरे रास्ते में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछाकर नई महारानी का स्वागत किया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।